कैसा लगा मैगी? अच्छा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा लगा मैगी। गाइज, आज हम मैगी बनाने वाले हैं। तो मैगी बनाने के लिए सबसे पहले आपको गाजर को ऐसे ही पतला पतला काट लेना है, और पतला पतला छुरी की मदद से काट लेना है, या फिर आप चॉपर की मदद से भी काट सकते हो। फिर कैप्सिकम को भी ऐसे ही बारीक पतला पतला आपको काट लेना है, और आप देख सकते हो हमने ये पतला पतला काट लिया है। और फिर पत्ता गोभी को भी हमने ऐसे ही पतला पतला काट लिया है, आप लोग देख सकते हो। और फिर प्याज को भी, दो प्याज को हम ऐसे ही पतला पतला बारीक काट लेंगे, और ये एकदम बारीक सारा जो वेजिटेबल्स है सारा बारीक कटे हुए होना चाहिए। और ये टमाटर, दो टमाटर चाहिए, दो टमाटर के बिना नहीं अच्छा लगेगा। और दो हरी मिर्च को भी आपको बारीक काट लेना है। और अब हम मैगी के पैकेट को खोल रहे हैं, और मैगी के पैकेट को आप देख सकते हो हमने खोल लिया है। हम चार पैकेट की मैगी बना रहे थे, तो उस हिसाब से ही हमें क्वांटिटी को रखना है। तो हमारे यहाँ बच्चे बहुत सारे आए हुए हैं, तो हम चार पैकेट की मैगी बना रहे हैं। और हम चार पैकेट की मैगी को ऐसे ही एक दूसरे से इसको तोड़ लेंगे, और आप लोग देख सकते हो। और चारों पैकेट का मसाला भी हमें यूज़ कर लेना है इसी मैगी में। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, ताकि आपको पूरी फुल वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और फिर पानी को बॉयल कर लेना है गैस पर, और उसके बाद हमें ऐसे ही मैगी को इस बॉल में डाल देना है। सारे मैगी को ट्रांसफ़र कर लेना है, और चारों पैकेट का मैगी को हमें इस पानी में डाल देना है, एक भी रखना नहीं है। तो अब हम डाल चुके हैं, और अब हम ग्रेवी बनाने के लिए गैस पर 4 टेबल स्पून रिफाइन डाल देंगे, आप लोग देख सकते हो। और इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे, और अगर हार्ड गर्म हो जाए तो उसके बाद हम जो प्याज को काटे थे प्याज को इसमें डाल देंगे, और आप लोग देख सकते हो। और हम अच्छी तरीके से इसे फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाए तब। तो गाइस, देख सकते हो आप लोग, हम लोग प्याज को भून रहे हैं अच्छी तरीके से। और ये 5 मिनट वाला नहीं, ये 20 मिनट वाला मैगी है, और ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप ये खा लोगे तो फिर आप 5 मिनट वाला मैगी नहीं खाओगे, ये इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप देख सकते हो हमने गैस पे हाई फ्लेम पे हम प्याज को ऐसे ही सेक लेंगे अच्छी तरीके से, और ये देख सकते हो प्याज ब्राउन हो गया है, और अब ये सिक चुका है। तो बस ये सिक चुका है, और अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो टमाटर जो हमने बारीक काटा हुआ था, 2 टमाटर, और ये टमाटर, 2 टमाटर होना चाहिए 4 पैकेट में। अगर कम टमाटर दोगे तो अच्छी फ्लेवर नहीं आएगी, और अच्छी मैगी नहीं लगेगी खाने में, क्योंकि इसमें टमाटो सॉस वगैरह नहीं हम लोग डालते हैं। बिना टमाटो सॉस के हम लोग ये मैगी बनाते हैं, इसलिए टमाटो सॉस का काम ये टमाटर ही करता है। तो टमाटर की क्वांटिटी में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप 8 पैकेट का बना रहे हो तो आपको 4 टमाटर देना है। तो आप लोग गाइस देख सकते हो, ये हमने गाजर भी दे दिया है, और मटर हम विंटर के टाइम में स्टोर करके फ्रीज में रखते हैं। तो अभी समर के टाइम में हम ऐसे ही इस मटर को यूज़ करते हैं फ्रीज में, ये ख़राब नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हो सारे वेजिटेबल को हमने इस पैन में डाल दिया है, और हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, और इसे अच्छी तरीके से जब तक ये सीख नहीं जाए तब तक हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। और इसमें 1 टेबल स्पून हम सॉल्ट देंगे, 1 टेबल स्पून हल्दी देंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर देंगे, लोग देख सकते हो। और फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और ये देख सकते हो ये हम मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ये देख सकते हो आप। और ये अच्छी तरीके से सीज जाए इसके लिए हम इसे ढककर छोड़ देंगे
5 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरीके से सिक जाए। और अब हो चुका है 5 मिनट, तो अब हम इसे हटाएंगे और देखेंगे ये सिक कर तैयार है। और देख सकते हो कलर भी बहुत अच्छी आई है। तो गाइस आप देख सकते हो गाइस ये अच्छी तरीके से सारी वेजिटेबल गल चुकी है। और अब हम ये मैगी मसाला जो 4 पैकेट हैं हमारे पास, वो चारों पैकेट डाल देंगे और पानी डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अलग से इस पैन में मिक्स करने से होता क्या है, अच्छी तरीके से मैगी मसाला मिक्स हो जाता है और गांठ नहीं पड़ती है। और देख सकते हो हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब ये ग्रेवी बनकर तैयार है। तो अब बारी है हमारे नूडल्स की। तो अब हम नूडल्स को इस ग्रेवी में, अब हम इस स्ट्रेनर की स्ट्रेनर से सारे नूडल्स को निकाल लेंगे और इस मैगी की ग्रेवी में डाल देंगे। और देख सकते हो हम ग्रेवी में डाल दिए हैं और ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब पता नहीं खाने में कैसा बना होगा दोस्तों। तो गाइज़ हम ये कूचिए की मदद से अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हो हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। आपको भी ऐसे ही मिक्स कर लेना है इसे, और ताकि ग्रेवी एक जगह नहीं रह जाए। और देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी जब हमने बनाया था तो। और ये देख सकते हो, और अब हम इसे सर्व करेंगे। और ये देख सकते हो, तो चलो अब हम चलते हैं सबको खिलाने के लिए और सबसे फीडबैक लेते हैं कि मैगी कैसा बना है। तो सबसे पहले मैं ट्राई करके देखूंगी और उसके बाद मैं बच्चों को खिलाऊंगी, क्योंकि मुझे पता रहना चाहिए ना कि मैगी आखिरकार बना कैसा है। तो मैंने तो खा लिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब बच्चों की बारी है, बच्चों से हम पूछेंगे। लगा मैगी कितना अच्छा? बहुत अच्छा, पानी लगा, बहुत अच्छा लगा। तुम बताओ कैसा लगा मैगी? अब पटना जाके खाओगी ये मैगी? तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड बेल आइकन पे क्लिक करें।